कि ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी आज ही के दिन, एक साल बीतते बीतते पता भी नहीं लगा। और भगवान शिव का ये महीना होता है और यहाँ पे शिव मंदिर ही स्थापित भी था बहुत पहले से, तो ये घटना हुई और इसमें हमारे उस दिन आई थिंक 20 लोगों जो काल के में ग्रास में आ गए। और रियली स्पीकिंग जिनको तो मैं स्वयं भी जानता, कोई घर के आसपास ही, हमारा घर यहाँ पास ही है, और वो बच्चे जो हमारे हमें जन्मे थे वो संसार में नहीं रहे। एक तो परिवार ही पूरा उस हुआ, आई थिंक एक बेटी जो मैरिड थी कहीं दूर थी, उनका प्रोफेसर फैमिली दे कम्प्लीटली वो वैनिश हो गया। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इस प्रकार की ये घटना रही। और जो त्रासदी का समय बीता वो न केवल यहाँ बल्कि हमारे पूरे हिमाचल में, जहाँ 551 लोगों को इस प्रकार के मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ के बीच का नुकसान आंका गया है। और तब से लेके देखा जाए तो लोग 5-7 महीने तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर रहे, और उन्होंने न केवल उन लोगों को जिनके पूरे घर ध्वस्त हो गए थे, उनको 1,50,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए उनको जिनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ दिए, और वो उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि मैंने ही ये बाद में इसका तो प्रारूप बनाया था, ये ऑर्डर्स दिए थे कि हम किसी भी प्रकार का किसी का लॉस होगा उसको बिना पेमेंट के नहीं रखेंगे। और हम इस बार भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हर ब्लॉक तक लेवल तक हम लोगों ने तैयारियां की हैं, SDRF NDRF को भी कॉन्टेक्ट में रखा है ताकि ऐसी घटना ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो और इस जान माल का नुकसान ना हो जाए। वैसे तो आज भी हम देख रहे थे जब यहाँ श्रद्धा सुमन दे रहे थे तो एक बड़ा सॉर्ट ऑफ यू नो याद आता है वो दिन, बिकॉज स्वयं गवर्नर साहब हमारे साथ आए थे, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय, और बल्कि अभी सवेरे भी बात हो रही थी गवर्नर साहब से इसी मामले में। तो हम हमारी पूरी सरकार इस ओर बहुत अच्छे तरह से पूरे रिसोर्स के साथ प्रेरित है और तैयार हैं कि अगर ऐसी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो तो हम उसे ठीक तरीके से देख सकें। सर 10 मीटर का दायरे के नाले से दूर जो है भवन निर्माण का एक निर्णय लिया है सरकार ने, बावजूद इसके अभी देख रहे हैं हम कि 10 मीटर का यहाँ पर दायरा ही नहीं है, तो क्या इस तरह की कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जाएगी ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो? नहीं, 10 मीटर के दायरे का जो लगाया, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 10 मीटर के दायरे को हम चिन्हित कर रहे हैं और उसका ध्यान रखेंगे, खासकर वो जहाँ नाले हैं और जहाँ, इनफैक्ट ये तो इतना डेंजरस नाला था भी नहीं, परंतु कैसे ये सब कुछ घट गया, ये भी अभी तक हमें तो सचमुच में, मैं तो पर्सनली कहता हूँ कि इतना ज़्यादा, खैर पानी यहाँ नेचुरल बहुत पहले आता था और इस प्रकार का डेंजर यहाँ पैदा होगा ये किसी का अंदाजा भी नहीं था। पर जो 10 मीटर की आपने बात कही उस पर तो पैदा उसको विल फॉलो था, क्योंकि सर सर्वे हुए और सर्वे में ये चीज़ निकल कर आई कि अभी तक यहाँ पर हुआ है वो कभी भी यहाँ पर डेंजर से बाहर नहीं है, उससे बाहर रखा गया है इसका, तो बाहर का जब बिल्डिंग ये नहीं होती प्रेस के लिए भी बड़ा मुश्किल होना है। क्या इस पर कार्रवाई करेंगे जो सरकार ने जो जांच दी है कि 10 मीटर से बाहर, अगर इसमें कोई ऐसी सुधार की आवश्यकता पड़ी तो करेंगे। इससे हटकर सवाल है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर, वहाँ पर ओपीडी शिफ्ट कर दी गई है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बात ठीक है, वहाँ लोगों को चुमाने की बात ठीक है आपकी, मेरे साथ स्थानीय विधायक भी साथ हैं श्री हरीश नारथा जी, हम लोगों ने वो जगह ही जो सड़क है वो इतनी तंग है कि सचमुच में वहाँ पर रात या कभी भी ऐसे टाइम पे जाना पड़ जाए तो कोई पेशेंट की मूवमेंट नहीं हो सकती। तो हमने नीचे से जगह चिन्हित की है और प्रॉपर रोड बनने जा रही है, शीघ्र ही आप देखेंगे वहाँ पर नीचे से एक दूसरी रोड बनेगी और हम उस तरफ हमारा पूरा ध्यान है।
सर दूसरा जो अभी डॉक्टर जो हड़ताल पे इनके जो कलकत्ता में हादसा हुआ है, उनका कहना है कि जो व्यवस्था है हाइजीन रूम में अगर बात करें तो नाइट में जो ड्यूटी रूम है महिलाओं का जो डॉक्टर मिला है वहाँ पे सही नहीं है, कुंडी तक वहाँ पे नहीं है, सुरक्षाकर्मी जो ट्रेंड नहीं है उसमें आप लगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने पॉइंट। इनफैक्ट ये बड़ी अनफॉर्चुनेट, इसी के बारे में महामहिम सुबह बॉम्बे से बात कर रहे थे और मैंने डॉक्टर्स को बुलाया है। हमारे डॉक्टर काम बंद नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रकार का उसमें कोई अव्यवस्था होगी। लेकिन ठीक कहा आपने, जो ये अमानवीय अभद्र व्यवहार हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए सब सुरक्षा के पूरे जो भी प्रबंध हैं वो किए जाएंगे और यदि किसी प्रकार की भी थोड़ी सी भी तो उसमें गुंजाइश हो करने की तो मैं करूँगा, नो प्रॉब्लम।